आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। गांधीनगर में मां हीराबेन से मिले पीएम मोदी, साथ बैठकर खाया खाना। यूजीसी का बड़ा कदम, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए खत्म होगी पीएचडी की अनिवार्यता। एलओसी पर गति विरोध के बीच 13 घंटे चली भारत और चीन की सैन्य वार्ता, टकराव वाले शेष स्थानों पर जल्द से जल्द सेना हटाने पर भारत ने दिया जोर। कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, पाकिस्तानी जिम कमांडर कमाल सहित 4 आतंकी ढेर, अभियान जारी। भगवंत मान ने राज्यपाल से मिलकर पंजाब में सरकार बनाने का दावा किया पेश, 16 को लेंगे शपथ। कोरोना केस घटने से सामान्य होगी संसद की कार्यवाही, कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। राष्ट्रीय विद्रोह दिवस पर चीन के खिलाफ प्रदर्शन, लगाए गए चीन विरोधी नारे। भारत बायोटेक ने कहा रूस यूक्रेन युद्ध का सप्लाई चेन पर असर नहीं, कोवैक्सीन में उपयोग किया गया घटक पूरी तरह से स्वदेशी। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस बार सीयू सेट से होंगे दाखिले, शिक्षा मंत्रालय ने पूरी की तैयारी, अगले हफ्ते तक घोषित होंगे तारीखें। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में फिर उठे बगावती सुर, एआईसीसी में ने खोला गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा। लुधियाना के पूर्व विधायक सिमरनजीत बैंस की तलाश में छापेमारी, 2 दिन पहले दिया था भगोड़ा करार। हरियाणा के वोकेशनल टीचर्स के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया मानदेय। ममता बनर्जी की अखिलेश को सलाह, निष्पक्ष नहीं हुए चुनाव, ईवीएम की फॉरेंसिक जांच करवाई जाए। ममता बनर्जी ने केंद्र पर लगाया फंड देने के मामले में उपेक्षा का केंद्र पर लगाया, कहा 90,000 करोड़ से अधिक बकाए। उदयपुर में राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 25 मार्च से, दुनिया देखेगी दिव्यांगों का हौसला। लाभार्थियों ने वोटों से भर दी भाजपा की झोली, सरकार ने 6.5 करोड़ से अधिक गरीब को पहुंचाया लाभ। भीषण आग से कई होटल और झोपड़पट्टी जलकर राख, ताबड़तोड़ धमाकों से दहला इलाका। बीएचयू कुलपति आवास पर मेडिकल छात्रों का धरना जारी, आयुर्वेदिक की सीट बढ़ाने पर अड़े छात्र। सनसनीखेज वारदात, सपा के प्रदेश सचिव और उनकी पत्नी की हत्या कर शव जमीन में गाड़े।
गाजीपुर की जहूराबाद सीट से सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश ने लहराया परचम, कहा जारी रहेगा संघर्ष। सहारनपुर के बेहट में साधु की धारदार हथियारों से हत्या, पुलिस जांच में जुटी। शहर में लूटपाट के बाद व्यापारी की गोली मारकर हत्या, विरोध में लगाया जाम। इगलास के किसानों की मांग, आलू की सही भाव व प्लेटफॉर्म मिल जाए तो दशा सुधर जाए। अलीगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रिक बसों की मांग बढ़ी, डगमार वाहनों से आजिज हुए लोग। औरैया और बिथुना मार्ग पर डंपर की टक्कर से ट्रैक्टर टाली सवार तीन युवक नीचे गिरे, एक की मौत, दो गंभीर। बरेली में 7 साल की बच्ची से हुआ दुष्कर्म, नाराज परिजनों ने हाईवे लगाया जाम। एटा में दबंग युवकों के हौसले हुए बुलंद, महिला के साथ घर में घुसकर की छेड़खानी। फरीदाबाद में नामी कंपनी से करोड़ों की ठगी, ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। फतेहपुर में सपा प्रत्याशी ने दर्ज की जीत, विधायक ने जनता का जताया आभार। गाजियाबाद में दोस्त बना दोस्त का कातिल, हत्या के बाद घर में छुपाया शव। सुधार्थनगर में दूसरी बार विधायक बने श्याम धनी, राही कार्यकर्ताओं में दौड़ी खुशी की लहर। चंदौली में सपा की हार से युवक ने जलाया प्रमाण पत्र, युवक ने स्वैच्छिक प्रमाण पत्र अकियाग के हवाले। लखीमपुर में जश्न के दौरान भाजपा कार्यकर्ता के साथ हुआ हादसा, कार्यकर्ता का बुलडोजर में फंसकर कटा पैर, युवक भाजपा की जीत का मना रहा था जश्न। और बदमाश में हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली, मौके पर भाली पुलिस पर मौजूद। मथुरा में चलते ट्रक में लगी आग, ट्रक चालक ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। प्रचंड जीत के साथ भाजपा की हुई जीत, योगी आदित्यनाथ से मिले नंद गोपाल नंदी, ट्विटर के जरिए नंदी ने शेयर की फोटो। बांदा में बच्ची ने खुद को लगाई आग, मौके पर पहुंची पुलिस। फरीदाबाद में घर के अंदर मिला अजगर, वाइल्ड लाइफ टीम ने किया रेस्क्यू। श्रावस्ती में महिला ने देवर पर लगाया मारपीट का आरोप, मारपीट के दौरान महिला गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
सफल लीवर ट्रांसप्लांट, 15 घंटे की सर्जरी में 15 लाख खर्च। यूपी में चुनाव के बाद अब शांति बनाए रखना चुनौती, शासन ने मांगा 20 कंपनी केंद्रीय बल। गबन के आरोप में निलंबित जेई की सेवाएं खत्म, केजीएमयू में बिजली उपकरण गबन करने का मामला। पूर्वांचल में बहने लगी फगुनहट तीखी धूप संग 25 किमी प्रति घंटा के वेग से चल रही हवाएं। चुनाव के लिए 15 मार्च से अधिसूचना होगा जारी, 9 अप्रैल को मतदान और 12 को मतगणना। उत्तराखंड में राजस्थान से आए श्रद्धालुओं का वाहन हादसे का शिकार, पिता व बच्चे की मौत, कई घंटों की मशक्कत के बाद निकाले शव। मजबूत सांगठनिक ढांचा न होने से कांग्रेस को उठाना पड़ा नुकसान, हरक सिंह रावत ने दिया बयान। ऋषिकेश में दूसरी मंजिल से गिरा मजदूर, लिंटर खोलने के दौरान हुआ हादसा। राजधानी देहरादून में 5 सीटों पर भाजपा, 6 पर कांग्रेस के बढ़े वोट। प्रदेश में कांग्रेस के चेहरा रहे हरीश रावत, ने ली हार की जिम्मेदारी, कहा नहीं समझ सका जनभावना। उत्तराखंड हाईवे पर कलासिया पुल ध्वस्त, नैनीताल सहित पहाड़ी जिले के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट। धामी को सीएम बनाने को भाजपा हाईकमान को पत्र, 2 विधायक भी कर चुके सीट छोड़ने की पेशकश। हरीश रावत ने छेड़ा 2009 का राग, बेटी की जीत का जश्न मनाएंगे हरदा, मां गंगा के दर्शन कर पर जाएंगे साबिर पाक की दरगाह। उत्तराखंड में धामी को फिर सौंपा जा सकता है कमान, चर्चाओं का बाजार गर्म, रेस में कई दिग्गज। चुनाव के बाद अब चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन, नुकसान का जायजा लेने बद्रीनाथ जाएगी टीम। हरिद्वार में भेल के सीएफपी ऑक्सीजन प्लांट में गैस रिवास, 3 कर्मचारियों की हालत बिगड़ी। देहरादून इस्तीफे के बाद बोले सीएम पुष्कर धामी, सीएम ने कहा मैं एक सम्मान सा कार्यकर्ता हूं। उत्तराखंड में शीतकाल में 19,500 यात्रियों ने किए पंच केदार दर्शन, 6 माह यहां 3 रूप में विराजते हैं बाबा केदार। सोमेश्वर में रेखा आर्य ने समर्थकों संग मायके में खेली जीत की होली, कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और महिला सशक्तिकरण के लिए करेंगे काम। अमरोहा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 मजदूरों को रौंदा, दोनों की मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की चिंता, खाद्य आपूर्ति को लेकर कही बड़ी बात। कनाडा के पीएम
पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव से पहले विपक्ष के प्रमुख नेता गिरफ्तार, अध्यादेश जारी करने को लेकर कोर्ट ने इमरान सरकार को लगाई फटकार। रूस के दावों पर बोला अमेरिका, जैविक हथियारों को लेकर झूठ फैला रहा है रूस। यूक्रेन को 1,00,000 करोड़ की मदद देगा अमेरिका, संसद में पारित किया प्रस्ताव। अमेरिकी नौसेना ने कहा, चीन सीमा पर हालात से निपटने के लिए भारत को उपकरण देता रहेगा अमेरिका। साथ रूसियों की संपत्ति फ्रीज की, मशहूर फुटबॉल क्लब के मालिक का नाम भी शामिल। श्रीलंका में खाने पीने का संकट गहराया, एक ब्रेड के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं 100 रुपए। चीन में फिर पैर पसार रहा ओमिक्रॉन, 90,00,000 की आबादी वाले शहर में लगा सख्त लॉकडाउन। LIC IPO के लिए SEBI के पास जल्द दस्तावेज जमा करेगी सरकार, शेयर बिक्री पर फैसला संभव। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर RBI की बड़ी कार्रवाई, नए ग्राहक जोड़ने पर लगी रोक। जनवरी में IIP में 1.3% की वृद्धि, दिसंबर में हुआ था 10 महीने का निचला स्तर। पुरानी पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में हुई बहाल, 3,00,000 सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा। IPO से पहले LIC का रिपोर्ट कार्ड, दिसंबर तिमाही में मुनाफा बढ़कर 234.9 करोड़ हुआ, सरकार IPO के लिए जल्द फाइनल पेपर दाखिल करने की तैयारी में जुटी। औद्योगिक उत्पाद की रफ्तार बढ़ी, जनवरी में 1.3% की तेजी। रूस ने बंद किया कार और ऑटो पार्ट्स का एक्सपोर्ट, इंडस्ट्री पर होगा बुरा असर। LMI ब्रांड बना सबसे भरोसेमंद, GRA लिस्ट में सैमसंग तीसरे स्थान पर पहुंचा। डेनमार्क की कंपनी ने भारतीय टेक स्टार्टअप्स AQFIT में खरीदी मेजॉरिटी हिस्सेदारी। सेमीकंडक्टर की कमी का असर, फरवरी में यात्री वाहनों की बिक्री 6% गिरी, दोपहिया वाहनों में 27% की गिरावट। हरमनप्रीत ने लगाई वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्ल्ड कप की दूसरी सेंचुरी। स्मृति मंधाना का धमाका, वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ जमाया दूसरा शतक। रविंद्र जडेजा को BCCI कॉन्ट्रैक्ट की A+ कैटेगरी में होना चाहिए, आकाश चोपड़ा ने दिया ये बयान। वर्ल्ड कप में सीनियर खिलाड़ियों के प्रदर्शन से कोच रमेश पवार नाखुश, मिताली और झूलन को लेकर बोली बड़ी बात।
पाकिस्तान को दक्षिण अफ्रीका ने 6 रनों से दी मात। अभी तक महिला वर्ल्ड कप में नहीं खुल पाया जीत का खाता। महिला हॉकी लीग में भारत के सामने जर्मनी की चुनौती। खराब फॉर्म से जूझ रही मेहमान टीम। जैक क्राउली जो रूट की दमदार बल्लेबाजी। इंग्लैंड ने ली 153 रन की बढ़त। एलेक्स हिल्स ने इस वजह से केकेआर के लिए खेलने से किया मना और इन फिंच को मिला मौका। पाकिस्तानी क्रिकेटर रुमन रईस की 2 साल की बेटी बिल्डिंग से गिरी, हालत हुई गंभीर। मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे फिंच को कोलकाता नाइट्स राइडर ने टीम में किया शामिल। कैटरीना कैफ ने विजय सेतुपति के साथ मैरी क्रिसमस की शूटिंग शुरू की। इस फिल्म का श्रीराम राघवन कर रहे हैं डायरेक्शन। अनुष्का शर्मा ने शेयर किया क्रिकेट प्रैक्टिस का वीडियो। शूटिंग से जुड़ी प्रैक्टिस का एक वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया शेयर। श्याम के सेलिब्रिटीज हुए दीवाने। प्रभास और पूजा हेगड़े के फिल्म को लेकर कही बड़ी बात। आदित्य नारायण ने शेयर की बेटी दिवशा की पहली झलक। सोशल मीडिया से कुछ दिनों के लिए लिया ब्रेक। अक्षय कुमार जल्द ही विद्युत जमाल संग इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर में आएंगे नजर। शो में अपने 40 साल पुराने साथी का किया खुलासा। करीना कपूर खाने भांजी समायरा की अनदेखी तस्वीर की शेयर। जन्मदिन पर दिया खास मैसेज। कॉमेडी किंग बना पंजाब का किंग। यूथ फेस्टिवल से बने आर्टिस्ट सबसे कम। राजनीति करियर वाले पंजाब के पहले सीएम बने भगवंत मान। फरहान अख्तर ने शिबानी डांडेकर से शादी के बाद पहली बार दिया बयान। बोले हमारे रिलेशनशिप अमेजिंग है। प्रीति जिंटा ने पति के बर्थडे पर दी बधाई। तस्वीर शेयर कर लिखा दिल छू लेने वाला पोस्ट। हरियाणा में टैक्स फ्री हुई विवेक अग्निहोत्री की फिल्म। सिने प्रेमियों को सरकार का बड़ा तोहफा। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।